महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के चलते एक बड़ा फरमान जारी किया है महाराष्ट्र सरकार ने, और ये आदेश लागू किए हैं कि जहां अजान पढ़ी जा रही होगी जिस भी मस्जिद में, उसके आसपास के 100 मीटर के दायरे में कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि 3 मई के बाद जो घोषणा की गई है मनसे के द्वारा, यानी कि राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के द्वारा, कि 3 मई के बाद अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये चेतावनी दे डाली है कि कहीं भी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही होगी तो 15 मिनट पहले नमाज पढ़ने के और नमाज अदा करने के 15 मिनट बाद तक कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ के आसपास के क्षेत्र में नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक मुहिम छेड़ी थी और यह कहा था कि जबरन लोगों को मस्जिदों से अजान सुनवाई जाती है, सुबह 5 बजे से लेकर दिन में 5 बार सुनवाई जाती है और हाई डेसिबल वॉल्यूम पर जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें भी यह अजान सुननी पड़ती है। इसका उन्होंने ना सिर्फ विरोध किया था बल्कि ये भी कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो फिर लाउडस्पीकर लगाकर वो जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और सभी को सुनाएंगे, जबरन जिस तरह से जबरन नमाज और आयतें सुनाई जा रही हैं। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर विवाद के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। एनआई के मुताबिक हनुमान चालीसा या भजन चलाने से पहले अब अनुमति लेनी होगी, अजान के 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद कहीं भी महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जा सकेगा। मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में इन्हें चलाने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि मस्जिद कोई भी हो उसके 100 मीटर के आसपास कोई भी हनुमान चालीसा का लाउडस्पीकर पर पाठ नहीं कर पाएगा। और ये आदेश इस मकसद से दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का कहना है। गौरतलब है कि ये मुद्दा गरमाया हुआ है और इस मुद्दे के चलते सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। एक बयान जारी किया गया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की तरफ से। पाटिल ने कहा है कि लाउडस्पीकर को लेकर राज्य की पुलिस और मुंबई का कमिश्नर बैठक कर निर्णय लेंगे और गाइडलाइन तैयार करेंगे ताकि धार्मिक तनाव ना हो सके और हिंसा ना हो सके। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 3 मई से पहले जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं या धार्मिक समुदाय के प्रमुख हैं उन्हें एक अनुमति लेनी होगी लाउडस्पीकर को लेकर लिखित में, और अनुमति के बाद ही वो लाउडस्पीकर पर किसी भी तरह का धार्मिक जो प्रसार है वो कर पाएंगे, चाहे वो अजान का हो या हनुमान चालीसा का हो। और साथ ही साथ ये भी आदेश दिए गए हैं कि किसी भी मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जाएगा, नमाज पढ़ने से 15 मिनट पहले और नमाज पढ़ने के 15 मिनट बाद तक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।